तो भाई लोगों, क्या हाल है। और यार, अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज हुई है, स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसको मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखा। और भाई सच में पिक्चर बहुत ही जबरदस्त है, जिसे आपको एक बार थिएटर में तो जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। अब नो वे होम स्पाइडरमैन की सबसे लेटेस्ट पिक्चर है, जो की लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। और इसे देखते हुए मैंने सोचा की मैं स्पाइडरमैन की सारी मूवीज को ही रैंक कर देता हूँ। पर टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं नो वे होम से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। वैसे इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टैंड अलोन मूवीज को ही रैंक किया है, ना कि अवेंजर्स या सिविल वार जैसी फिल्मों को। तो अब इसी के साथ अपनी सबसे पहली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं, जो है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रो भी था, राइनो भी था और न्यू ग्रीन गोब्लिन भी था। पर फिर भी लोगों को ये पिक्चर पसंद नहीं आई बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। अगर कोई चीज मुझे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है इसके एक्शन सीन। मूवी की स्टोरी को अगर भुला दिया जाए तो इस पिक्चर में स्पाइडरमैन के फाइटिंग सीन्स बहुत ही जबरदस्त हैं। पर सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलता, मूवी की स्टोरी भी कड़क होनी चाहिए। इलेक्ट्रो मूवी का मैन विलन लगता है, पर इसमें ग्रीन गोब्लिन भी 5 मिनट के लिए आता है और ग्वेन स्टेसी को मारकर जेल चला जाता है। एंड राइनो तो इसमें सिर्फ नाम के लिए था। सोनी की यही प्रॉब्लम थी कि वो करंट मूवीज से ज्यादा ध्यान उसके फ्यूचर पर देता है, इसलिए उसने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में सब गुड़गोबर कर दिया और आज वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। स्पाइडरमैन 3 ही वो फिल्म थी जो कि वेनम को सबसे पहले कॉमिक्स से निकालकर बड़े पर्दे पर लेकर आई थी। पर फिर भी ये फिल्म लोगों को इतना खुश नहीं कर पाई जितना कि इसके पहले और दूसरे पार्ट ने किया था। लेकिन हाँ, इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके पिछले दोनों पार्ट से ज्यादा था। इस मूवी में काफी ज्यादा न्यू कैरेक्टर्स आए थे, जैसे कि ग्वेन स्टेसी, वेनम, सैंडमैन, न्यू गोब्लिन और अपने सैम रेमी इस फिल्म में सैंडमैन को मेन विलेन और वल्चर को एज ए सेकेंडरी विलेन रखना चाहते थे। बट प्रोड्यूसर ने अपनी टांग डायरेक्टर के काम में अड़ा दी और फिल्म में वेनम को डलवा दिया और अब उसका रिजल्ट तो हम सबके सामने है ही। वैसे मुझे स्पाइडरमैन 3 इतनी ज्यादा भी बेकार नहीं लगती, मतलब ये फिल्म टाइम पास तो करा ही देती है। हालांकि इसमें ज्यादातर कैरेक्टर्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं किए गए थे, जिस वजह से ये फिल्म इस रैंक पर है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये फिल्म स्पाइडरमैन 3 से ऊपर है क्योंकि ये एक अच्छी नॉर्मल सी स्पाइडरमैन की फिल्म है, जिसमें एक सुपर विलेन है, सुपर हीरो है, लव स्टोरी है, इंसानों पर खतरा है और अपने स्पाइडी को उन्हें बचाना है। तो हुई ना ये एक नॉर्मल फिल्म, पर यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसी दुनिया बचाने वाली मूवीज हमने काफी ज्यादा देख रखी है, इसलिए हमें इसमें कुछ नया या हटकर देखने को नहीं मिलता है। ऊपर से इसमें स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी को फिर से दिखाया गया है, जैसे मकड़ी का पीटर को काटना, अंकल बेन का मरना और विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डायलॉग बोलना और फिर पीटर कैसे स्पाइडरमैन बनता है उस जर्नी को दिखाना, जो कि हम पहले ही सैम रेमी की स्पाइडरमैन में देख चुके हैं, इसलिए दोबारा से ये सब होते हुए देखना इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता। बट जैसा कि मैंने कहा कि ये एक अच्छी सुपर हीरो फिल्म है जिसे देखते हुए आपको मजा आएगा। हाँ, इसका विलन अगर थोड़ा और पावरफुल होता तो शायद और भी ज्यादा मजा आता। स्पाइडरमैन होमकमिंग। एमसीयू में स्पाइडरमैन होमकमिंग स्पाइडरमैन की पहली स्टैंड अलोन मूवी है, जिसमें पीटर को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है क्योंकि एमसीयू इसकी स्टोरी को धीरे धीरे डेवलप करना चाहता था। इसी वजह से इस फिल्म में स्पाइडरमैन पिछली मूवीज जितना प्रोफेशनल नहीं था और उसे बार बार टोनी स्टार्क की हेल्प लेनी पड़ती थी, इसीलिए इस मूवी में कोई एकदम नेक्स्ट लेवल वाले एक्शन सीन्स भी नहीं थे, पर थी तो सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो है स्टोरी। बिना स्टोरी के चाहे कितने भी अच्छे एक्शन सीन्स हों, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब एमसीयू हमेशा से ही एक्शन से ज्यादा ध्यान अपनी स्टोरीज पर देता आया है और यही काम स्पाइडरमैन होमकमिंग के साथ भी हुआ, जहां उस मूवी में एक्शन तो कम था और भाई क्लाइमेक्स में तो पीटर के पास अपना सूट भी नहीं होता, वो अपने पुराने सूट में फाइट करता है। पर फिल्म की स्टोरी काफी अच्छी थी। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद हमें एमसीयू में जो स्पाइडरमैन की दूसरी मूवी देखने को मिलती है वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। हालांकि इससे पहले स्पाइडरमैन इन्फिनिटी वार और एंड गेम में भी दिख चुका था, पर वो अवेंजर्स की मूवीज हैं। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में काफी ज्यादा जबरदस्त एक्शन हैं कंपेयर टू होमकमिंग। इस मूवी में पहली बार हमें मिस्टीरियो देखने को मिलता है, जो कि अपने इल्यूजन से स्पाइडरमैन को काफी कड़ी टक्कर देता है और एंड में आकर उसकी आईडी भी रिवील कर देता है, जिसका नतीजा हमें नो वे होम में दिखा। ओवरऑल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम काफी जबरदस्त पिक्चर है, जो कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी पता चलता है। भाई मूवी ने 1.13 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी, मतलब इस फिल्म को लोगों ने काफी एंजॉय किया। स्पाइडरमैन। इसी फिल्म से सैम रेमी ने अपनी स्पाइडरमैन की ट्रायोलॉजी स्टार्ट की थी और वो स्पाइडरमैन की मूवीज को एक अलग ही लेवल पर ले गए। वैसे भी इससे पहले स्पाइडरमैन पर बनी ही कितनी फिल्में थी। स्पाइडरमैन में हमें उसकी ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे एक आम लड़का एक सुपर हीरो बनता है। इस फिल्म में ग्रीन गोब्लिन नाम का एक विलेन है, जो कि अभी हमें नो वे होम में भी दिखा था। ग्रीन गोब्लिन का रोल प्ले करते हैं विलियम डेफो और भाई उनकी एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। स्पाइडरमैन मूवी में इमोशंस हैं, लव स्टोरी का तड़का भी है और उसमें पीटर और हैरी की फ्रेंडशिप को भी काफी बेहतर तरीके से दिखाया गया है। ये फिल्म बहुत ही ऑसम थी, इसीलिए ये इस लिस्ट में 4th नंबर पर है। स्पाइडरमैन 2। ये स्पाइडरमैन का ही सीक्वल है स्पाइडरमैन 2, जो कि मुझे इसके फर्स्ट पार्ट से ज्यादा पसंद है, तभी तो ये 3rd नंबर पर है। इस फिल्म में हमें पहली बार स्पाइडरमैन का आर्केनेमी डोकॉक दिखा था, जो कि नो वे होम में भी है। सैम रेमी की यही खास बात
बात थी कि जो एमसीयू आज के टाइम में कर रहा है वो सैम रेमी काफी पहले कर चुके हैं। जैसे कि मार्वल हमें विलेंस के मोटिव उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करता है, उनकी बैक स्टोरी दिखाकर, ताकि लोग उनके विलेंस के लिए भी इमोशनल फील करें। अब सैम रेमी भी कुछ ऐसा ही करते थे, जैसे कि डोक ऑक कभी एविल नहीं था, वो बस अपने टेंटिकल्स के कंट्रोल में था। सैंडमैन कभी भी अंकल वेन को मारना नहीं चाहता था, उसे बस अपनी बेटी की फिक्र थी। और सैम रेमी के डायरेक्शन की वजह से ही मुझे ये स्पाइडरमैन की मूवीज इतनी पसंद है। स्पाइडरमैन 2 में ही हमें वो ट्रेन वाला आइकॉनिक सीन दिखा था, और इसकी स्टोरी का तो क्या कहना है। आप बस इतना समझ लो कि ये मेरी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। मैंने काफी देर सोचा कि इस मूवी को वीडियो में रखूं या नहीं, क्योंकि ये एक एनिमेटेड मूवी है और बाकी सब लाइव एक्शन, पर ये मूवी थी ही इतनी औसम कि इसने इस वीडियो में अपनी जगह दूसरे नंबर पर बनाई। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की जहां एक तरफ लोग इतनी तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ही ये स्पाइडरमैन की सबसे कम अर्निंग करने वाली मूवी है। हां यार, सच कह रहा हूं, ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टॉम हॉलैंड, टोबी मैग्वायर या एंड्रू गारफील्ड की मूवीज के आसपास भी नहीं है। और मुझे इसकी कम अर्निंग की सबसे बड़ी वजह लगती है इस फिल्म का एनिमेटेड होना। लेकिन एनिमेटेड मूवी होना ही इसका प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि यार जो चीजें वो एनिमेशन में बिना टेंशन लिए दिखा सकते हैं, वहीं लाइव एक्शन में उनके लिए ये सब करना काफी कॉस्टली और रिस्की हो जाता है। इसीलिए ये पिक्चर एनिमेटेड ही बेस्ट है। वैसे इस फिल्म को अपने यूनिक एनिमेशन के लिए एक ऑस्कर भी मिला है। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि इसका सीक्वल भी आने वाला है। तो अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन है, स्पाइडरमैन नो वे होम। देखो, मैंने इस फिल्म को फर्स्ट रैंक पर व्यूज के लिए या फिर इसकी हाइप को देखते हुए नहीं रखा है, बल्कि इस पिक्चर को मैंने खुद फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर देखा। और मैं ये कह सकता हूँ कि एवेंजर्स एंडगेम के बाद ये पहली ऐसी मूवी है जिसको मैंने इतना एंजॉय किया। सच में यार, जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम देख ली है उन्हें पता है कि ये फिल्म फर्स्ट रैंक पर क्यों है। मूवी की स्टोरी एकदम अमेजिंग है, रुला देने वाले इमोशनल सीन्स भी हैं, और भाई एक्शन सीन्स की तो बात ही छोड़ दो, चीखते चीखते आपका गला बैठ जाएगा। स्पाइडरमैन नो वे होम को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे अपने जैसे किसी फैन ने बनाया है, जिसने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक ही मूवी से पूरी कर ली हो। अब इससे ज्यादा मैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, आप इस मूवी को खुद एक्सपीरियंस करना। तो भाई, ये थी मेरी पर्सनल रैंकिंग स्पाइडरमैन की मूवीज को लेकर। अगर आप इस रैंकिंग से एग्री नहीं करते हो तो कमेंट्स में हमें अपनी रैंकिंग जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, अगर चाहो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना।